गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति। आज है मेरे दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल ट्रिप का 6th डे। तो सबसे पहले तो मैंने चेकआउट किया अपने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से, जो कि तागदा में है, और आपको लेकर जाऊंगी यहाँ के ऑर्किड सेंटर। और जस्ट मैं निकली हूँ, आपने देखा, और एक टर्न लिया और राइट साइड, जी हाँ राइट साइड, जो ये वैली जैसी दिख रही है स्टीप, यही है हमारा ऑर्किड सेंटर। बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस है, आप आराम से यहाँ जा सकते हैं। टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें गाइस, क्योंकि जो टाइमिंग्स यहाँ मेंशन्ड है लाइक 10 to 4, उस टाइम पे ये खुलता नहीं और बंद होता नहीं। थोड़ा लेट खुलता है और थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। ऑब्वियसली मौसम के हिसाब से लोकल्स अपने हिसाब से इसे खोलते बंद करते हैं, तो आप थोड़ा लेट जाएं या फिर 3 बजे से पहले चले जाएं, तो आई वुड सजेस्ट आप 11 से 3 या 11 से 2 या 12 से 2 के बीच में जाएं तो बेस्ट रहेगा। आपको ये खाली मिलेगा और टूरिस्ट से भरा मिलेगा। आप जो इस रास्ते में थोड़ी भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ है एक्चुअली बुद्ध पूर्णिमा की। डोंट वरी, उसका व्लॉग भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तागदा का ऑर्किड सेंटर प्रचुर जैव विविधता का दावा करता है। यहाँ की ठंडी जलवायु और पूरे वर्ष धुंध भरा मौसम विभिन्न प्रकार के हिमालय जीवों को इस क्षेत्र में पनपने के लिए प्रोत्साहित करता है। वुडलैंड में घने ऊंचे और पुराने जापानी देवदार और पाइन्स का प्रभुत्व है। विलासितापूर्ण और शांत वन भूमि के बीच टहलने के रास्ते प्रकृति के बीच रहने का एक अवर्णनीय अनुभव प्रदान करता है। ढेर सारे आकर्षणों और गतिविधियों के बीच तागदा ऑर्किड सेंटर इस जगह से प्यार करने का एक आदर्श कारण है। आमतौर पर फरवरी और अप्रैल के महीनों में आगंतुकों के लिए सुलभ, तागदा ऑर्किड सेंटर दुर्लभ और विविध प्रकार के ऑर्किड के लिए एक विशेष अभयारण्य है। यह उल्लेखनीय ऑर्किड केंद्र ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्रिटिश काल की याद दिलाते हुए उद्यान क्षेत्र को ब्रिटिश सैनिकों के एकत्रित होने के स्थान के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि तागदा द्वितीय बटालियन के ब्रिटिश सैनिकों का घर था, जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कहानियां उस पीढ़ी से व्यक्त की गई हैं जिन्होंने वास्तव में उस युग की गवाही दी थी। तागदा ऑर्किड सेंटर, जो कभी उपेक्षित था, अब अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। वर्तमान में इसका स्वामित्व सरकार के पास है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ सिर्फ ऑर्किड सेंटर देखने आते हैं। ग्रेड के बीच आश्चर्यजनक रूप से सपाट और समान खिंचाव मौजूद है, जिसमें आश्चर्यजनक ऑर्किड सेंटर शामिल है। विशाल विविधता के बीच जंगली ऑर्किड, दुर्लभ किस्म के हिमालयी ऑर्किड भी यहाँ संरक्षित हैं। केंद्र में एक हर्बल उद्यान भी है, जिसमें कई औषधीय पौधे हैं, जिन्हें औषधीय प्रयोजनों के लिए उगाया जाता है। आमतौर पर अक्टूबर के महीने में फूलों का मौसम फीका रहता है, फिर भी यह स्थान पूरे वर्ष एक जादुई अनुभव प्रदान करता है। तागदा ऑर्किड सेंटर को एशिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। ऑर्किड सेंटर एक अविश्वसनीय अनुभव प्रस्तुत करता है, जो हर प्रकार की सौंदर्य संबंधी खोज को पूरा करता है। चाहे वह प्रकृति प्रेमी हो, शांति चाहने वाला हो, वनस्पति विज्ञान में रुचि रखने वाला हो, और भी बहुत कुछ हो। मैं तो यहाँ आ गई
आप भी अगर दार्जिलिंग आएं तो तागदा ज़रूर आएं और इस ऑर्किड सेंटर में आना और यहाँ की खूबसूरती को देखना ना भूलें। ऑर्किड परिक्षेत्र को एक पार्क की तरह डिजाइन किया गया है और आगंतुक घूमने में एक सुंदर समय बिता सकते हैं। अक्टूबर के महीने में ऑर्किड केंद्र मौसमी फूलों से खिलता है और पूरे परिवेश में एक जादुई आकर्षण बिखेरता है, इसलिए आप इस मौसम में ऑर्किड सेंटर का दौरा कर सकते हैं। तागदा ऑर्किड केंद्र पूरे एशिया में लोकप्रिय है और इस अंतर्राष्ट्रीय खजाने की खोज में आपको एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। यहाँ का प्रवेश शुल्क 20 रुपये है, तो मैं यहाँ 20 रुपये देकर आई हूँ और अब तो जाने का वक्त हो गया है, तो मैं इस फूलों के रास्ते से जो पाथवेज बने हैं, एक फाउंटेन भी है, उस रास्ते से यहाँ जा रही हूँ और शायद कैप्चर नहीं हो पाया, बट फूलों के ऊपर कई सारी तितलियाँ भी भंवरे भी मंडरा रहे थे। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, ऑर्किड्स देखें, छोटे छोटे कैक्टस भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें खरीद भी सकते हो एंड जो यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं उस पर तितली भंवरे मंडरा रही हैं, उसके साथ आप भी उनकी आवाज़ में मदहोश हो जाए।